I feel very grateful and honored to be participating here in this online retreat. मैं बहुत आभारी महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर ये ऑनलाइन सत्संग में भाग लेकर. I want to thank Sri Vallabh Prabhu for kindly, very lovingly, affectionately inviting me. तो मैं श्री वल्लभ प्रभु का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत प्रेम से मुझे यहाँ आमंत्रित किया. And it's not just a matter of 3 days. Prabhuji has been doing it for 3 decades. और ये सिर्फ 3 दिनों की बात नहीं है. प्रभुजी इसे लगभग 30 वर्षों से कर रहे हैं. Introducing so many devotees to Krishna consciousness, inviting so many great souls to the Gulf area. प्रभुजी बहुत जीवों को कृष्ण भावनामृत संघ में ला रहे हैं और बहुत अन्य वैष्णवों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं. शिला जयपताका महाराज touched the area with his lotus feet in the 80s. शिला जयपताका स्वामी महाराज जी ने इस स्थान को 1980 में अपने चरण कमल से छुआ. It's a deserted place without water, but once Srila Jayapataka Maharaj touched there, not just the water, but the nectarian flow of Krishna Bhakti spread. तो ये एक रेगिस्तान है बिना जल के, परंतु जब से Srila Jayapataka Swami Maharaj जी ने इस स्थान को छुआ, सिर्फ जल ही नहीं, Krishna भावना अमृत यहाँ बहने लगा. Srila Jayapataka Maharaj is there, big victory flag. Srila Jayapataka Swami Maharaj विजय के झंडे हैं. But the very empowered disciples of Srila Jayapataka Maharaj have taken this victory flag to every house. परंतु Srila Jayapataka Swami Maharaj ji के सशक्त शिष्यों ने इस विजय के झंडे को घर-घर तक पहुंचाया है. And I want to thank Sri Vallabh Prabhu for coordinating all the yatras so that all the flags are fluttering in the same wind of the teachings of Srila Prabhupada. और मैं Sri Vallabh Prabhu को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार सत्संग और अन्य जग स्थानों में फैलाया को जोड़ा है और यही विजय का झंडा हर स्थान में लहरा रहा है. श्रीला प्रभुपाद जी के उपदेश अनुसार. श्रीला प्रभुपाद जी के उपदेशों के अनुसार. So thank you, Prabhu, and I want to offer my obeisances to all the senior Vaishnavas and Vaishnavis. I wouldn't know everyone by name, but all the senior Vaishnavas that I can see in the participation list. Please understand, this son of yours is prostrating himself at your lotus feet, touching his head to your feet and begging so that the right words come in the right spirit. और इसके साथ साथ मैं सभी वरिष्ठ वैष्णवों और वैष्णवियों को अपना प्रणाम स्वीकार करें और मुझे अपना पुत्र मानकर मेरा माथा अपने चरणों में लगवाएं और ये आशीर्वाद दें कि मैं अपने मुख से सही वचन कह सकूं. May all of you pray and bless. And with this auspicious beginning, I would like to start 5 minutes of kirtan. तो सब कृपया प्रार्थना करें और मुझे आशीर्वाद दें और अब मैं 5 मिनट के कीर्तन से शुरुआत करूंगा. Please don't cheat me by not blessing me. कृपया मुझे धोखा न दें, मुझे आशीर्वाद न देकर. At the age of 28, a person has only pride. No experience, no realization of anything in this world. 28 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति को सिर्फ घमंड होता है, किसी प्रकार का अनुभव या साक्षात्कार नहीं होता. So I want all of you to profusely with both hands pray and bless so that I am able to speak something favorable, giving pleasure to everyone and ultimately causing purification of our consciousness. तो मैं चाहता हूं कि आप सभी मुझे बहुत दरिया दिली से आशीर्वाद दें कि मैं यहां पर कुछ आपके लाभ के लिए कह सकूं जिससे आप सब कृष्णा भावना भावित हो सके. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जना वल्लभा गिरिवर धारी. गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी. यशोदानंदना व्रज जन रंजना. यशोदानंदना व्रज जन रंजना. यमुना तीर वन चारी. यमुना तीर वन चारी. जय राधा माधव कुंज
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव नितय गौर ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि राम 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 हरे हरे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Sri Chaitanya Mahaprabhu, in his very beautiful discussion with Ramananda Rai. Sri Chaitanya Mahaprabhu, unke bahut hi sundar baatcheet mein Sri Ramananda Rai ke saath. He asked many beautiful questions and Ramananda Rai was giving answers. Unhone bahut hi sundar prashn puche aur Sri Ramananda Rai unka uttar de rahe the. It's very interesting in the Gaur Ganodesh Deepika, which maps the identities of Chaitanya Leela to the identities of Krishna Leela, it mentions something about Ramananda Rai. तो ये बहुत ही दिलचस्प है कि गौर गणदेश दीपिका में जहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन किया जाता है श्री कृष्ण लीला से बराबरी करके वहाँ श्री रामानंद राय के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है. गौर गणदेश दीपिका डिस्क्राइब्स राधा एंड कृष्ण अपीयर एज शचिनंदन गौर हरि बट अर्जुन Pandava appears as Ramananda Rai. तो वहां बताया गया है कि श्री श्री राधा कृष्ण श्री गौरंग महाप्रभु के तरह अवतरित हुए हैं और जो पांडव हैं वे प्रभु इस अर्जुन फ्रॉम द पांडव अर्जुन और अर्जुना जो पांडवों में से जो अर्जुन है वे श्री रामानंद राय हैं. So in the Bhagavad Gita, Arjuna is asking and Krishna is answering. But in Gaura Leela, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu is asking, and Ramananda Rai's Arjun is replying. तो भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं परंतु गौर लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं और अर्जुन उत्तर दे रहे हैं In the form of Ramananda Rai. श्री रामानंद राय के रूप में.
So out of many questions asked, one of the questions that Sri Chaitanya Mahaprabhu asked Ramananda Rai is, what is the greatest source of suffering in this world? तो जो अन्य प्रश्न श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से पूछे उनमें से एक प्रश्न था कि इस जगत में पीड़ा का सबसे बड़ा कारण क्या है? Or what is the greatest form of suffering? तो पीड़ा का सबसे बड़ा रूप क्या है? रामानंद राय says, oh, actually there is no suffering in this world. श्री रामानंद राय जी ने कहा वास्तव में इस जगत में कोई पीड़ा नहीं है. Why? क्यों? नैव द्विजे परदुरत्यय वैतरण्य स्त्वत्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्त शोचे तथो विमुख चेतस इंद्रियार्था माया सुखाय भारम उद्भवहंति मूढ़ाः. प्रहलाद महाराज answers this in the seventh canto. तो श्री प्रहलाद महाराज जी ने इसका उत्तर दिया है श्लोक से. नैव द्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यास त्वद्वीर गायन महामृतमग्न चित्त सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढान. प्रहलाद महाराज says, oh, नैव उद्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यास, I have no concern about my liberation in this world. तो श्री प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, नहीं वो द्विजय पर दुरत्यय वैतरण्यास, मुझे इस जगत में कोई चिंता नहीं है मेरी मुक्ति के विषय में. Why? Because there is so much happiness. क्यों? क्योंकि यहाँ इतना आनंद है. Where is the happiness? कहाँ है आनंद? त्वत्वीर्य गायन महा अमृत मग्न चित्त. My lord, the pleasure is only in one place. Because my mind is completely absorbed in the oceanic waves of your glory, I am in this world, but I am not touched by this world. तो आनंद सिर्फ एक ही स्थान में है, त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, क्योंकि मेरा मन पूरी तरह से मग्न है आपकी महिमा का गुणगान करने में, तो मुझे कोई प्रकार की पीड़ा यहाँ महसूस नहीं होती. रामानंद राय सेड that greatest source of pleasure in this world is to just chant your holy names in sadhu sangha. Shri Ramanand Rai ji ne kaha ki is jagat mein prasanta ka sabse bada ki sabse badi ka tarika hai aapke namon ka jap karna sadhuon ke sang mein. Tulayam lavenapi na swargham na punarbhavam bhagavat sangi sangasya martyanam ki mutashesha. The bhagavatam says to get the association of a great soul in whose association we can chant and feel happiness, oh, that association is very rare. Therefore, people find distress. तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक है जो प्रभु जी ने अभी कहा कि जो सबसे जो प्रसन्नता है वो साधुओं के संग से प्राप्त होती है और क्योंकि व्यक्ति ये संग नहीं करते इसलिए यहाँ पर दुख है. तुलयाम लवेनापि, even one moments of association with a great soul will electrocute the person in premananda. Tulayam lavenapi, sirf thoda sa samay bhi ek sadhu ke sath wo kafi hai hame krishna bhavna bhavit karne ke liye. Na tulayam lavenapi na swargam, that equivalence is not found in heaven na punarbhavam or in liberation. Iske barabar ki vastu na swarg mein prapt hogi aur na mukti mein. Bhagavat Sanghi Sangasya, to associate with someone who associates with Krishna is the greatest gift of human life. Unse sang karna jo Krishna se sang karte hain, ye is jeevan ka sabse bada tohfa hai. In the Prema Vivarta, Jagadananda Pandit also states the same thing. Prema Vivarta mein Shri Jagadananda Pandit bhi yahi baat kehte hain. Sadhu Sang Krishna Naamei Matra Chai संसार जीनेते आर कोनु वस्तु नाय. जगदानंद पंडित says, in this world there are only two sources of pleasure, chanting the holy name and associating with sadhus. श्री जगन्नाथ पंडित कहते हैं कि इस जगत में दो ही कारण है जहां से आनंद प्राप्त हो सकता है, भगवान के नाम का जप और साधुओं का संग. Because one is not chanting and not associating, he is not getting that pleasure, therefore he is miserable. क्योंकि व्यक्ति जप नहीं कर रहे और साधु संग नहीं कर रहे इसलिए उन्हें वे आनंद नहीं प्राप्त होता और वो दुखी रहते हैं. कृष्णदास कविराज गोस्वामी says the same thing in चैतन्य चरितामृत. कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही बात श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं. कृष्ण भक्ति जन्म मूला हाय साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूला हाय साधु संग,
the root of the tree of devotion. Oh, those roots are sadhu sangha, associating with the great soul. Krishna bhakti janma mula hoy sadhu sangha. To jo is vriksh ki jade hai, ve hai sadhu sangha. How do the sadhus take us away from this material world? Sadhu hame kis prakar is bhautik jagat se dur le jate hain? The fourth canto Bhagavatam describes. Chautha skand Srimad Bhagavatam ka ye batata hai. Tasmin mahan mukharita madhubhish charitram piyusha shesha sarita parita pibanti. That sadhus are those who have rivers of harikatha flowing from their mouth in all directions at all times. तो इस श्लोक श्रीमद् भागवत से चौथे स्कंद से ये कहा गया है कि साधु वे हैं जिनके मुख से हरि कथा की नदियां बह रही हैं हर दिशा में और हर समय. If someone is not speaking hari katha and not singing the glories of Krishna naam, then he may not be sadhu. तो अगर कोई हरि कथा नहीं कर रहा और भगवान की महिमा का गुणगान नहीं कर रहा तो वो साधु नहीं हो सकता. Because Raghunath Das Goswami in Mana Shiksha says, what is in your heart comes through the tongue. क्योंकि मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं कि आपके हृदय में जो है वही आपसे वही आपके मुख से बाहर आता है. So in the heart, if you're thinking of this world, in the tongue we'll speak that. तो अगर हृदय में आप इस जगत के बारे में सोच रहे हैं तो जीवा यही बात करेगी. In the heart, if we are always thinking about Krishna and Sri Chaitanya, the tongue cannot stop but vibrate the vibrations of the heart, which is Krishna Bhakti. तो अगर हम मन से हमेशा श्री कृष्ण और चैतन्य के बारे में सोच रहे हैं तो ये जीवा भी रुक नहीं सकती, ये भी इन श्री कृष्ण और श्री चैतन्य का महाप्रभु की ही कामना करेगी. So the word mukharita means that which comes from the mukha, from the mouth. So that which comes from the mukha of a sadhu is harikatha. तो mukharita का अर्थ है जो मुख से निकलता है. तो साधु के मुख से जो निकलता है वो है हरिकथा. But the word mukharita also has one more meaning. परंतु इस शब्द मुखरिता का एक और अर्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव. सो इन द हार्ट ऑफ अ साधु इज आर द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री कृष्ण गोइंग ऑन. तो साधु के हृदय में श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं चल रही हैं. बट दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स व्हेन इट कम्स थ्रू द टंग. परंतु ये परिवर्तित होती हैं शब्दों के द्वारे में, शब्दों द्वारा जो उनके मुख से बाहर निकलती हैं. And when those sound vibrations enter the ear hole of the listener, it goes in as sound and retransforms itself as the pastimes in the heart of the listener. This is how sadhu gives what is in his heart into the heart of the listener. और तब ये शब्द जब सुनने वालों के कान के द्वारा उनके हृदय में पहुंचते हैं तो फिर ये प्रवर्तित हो जाते हैं लीलाओं की तरह. इस प्रकार जो कथा कर रहे हैं वो इन लीला को जो सुनने वालों के हृदय में रखते हैं. Therefore, in the Gopi Geet, the Gopis have said, "Who is the greatest donor in this world?" इसलिए गोपी गीत में गोपियों ने कहा है कि इस जगत में सबसे बड़ा दाता कौन है. If you give someone who wants money, you give him money. Oh, then when he loses it, he laments. But when he gets it, he gets greedy for more. अगर किसी को धन की कमी है आप उसे धन देंगे तो वो या तो उसे खो देगा तो विलाप करेगा या उसे मिल जाएगा तो वो और लालची हो जाएगा धन के लिए. And someone who's hungry, you give him food, he's satisfied now, but next meal again he will be hungry. और अगर कोई भूखा है आप उसे खाना दे देंगे तो अब वो संतुष्ट हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद वापस भूखा हो जाएगा. But if the sadhu gives Krishna from his heart into the heart of the listener, all the problems are solved. So therefore, the bhuvi grinanti ye bhurida janaha, the greatest donor in this world is the sadhu who is singing and speaking harikatha. Parantu jab ek sadhu apne hriday se dusron ke hriday mein krishna denge to puri samasya ka hal ho jayega. Isliye sabse bada data wo hai jo dusron ko krishna deta hai unki katha ke roop mein. So therefore Ramananda Rai says, meeting with such a sadhu is the greatest source of festival. And when this sadhu departs from this world, it is the cause of greatest sorrow. इसलिए श्री रामानंद राय कहते हैं, इस प्रकार के भक्त से मिलना ये एक त्योहार का स्रोत के बराबर है, और ऐसा साधु जब चला जाता है तो ये इस जगत की सबसे बड़ी पीड़ा है. So this is the answer to Chaitanya Mahaprabhu's question. What is the source of greatest suffering? There is no suffering,
But those who come and give us Krishna, when they decide to depart, oh, they drown us in the ocean of grief that we will never again see their lotus feet and hear from them. This is the greatest suffering. So, ye Shri Chaitanya Mahaprabhu ke prashna ka uttar hai ke sabse badi peeda kya hai? तो वैसे तो कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जो साधु हमें कृष्ण भावनामृत प्रदान करते हैं, जब वो हमारे संग से चले जाते हैं, ये सबसे बड़ी पीड़ा है। Of all the disappearance which comes in the Chaturmas, we worship it and we honor it so much. सभी तिरोभावों में से जो तिरोभाव कार्तिक मास में आते हैं, हम उन्हें बहुत ज्यादा मनाते हैं और सम्मान देते हैं। The last Ekadashi of the month of Kartik, which almost wraps up the month of Kartik, on that day is the disappearance of Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj. तो जो कार्तिक की आखिरी एकादशी है, जिससे कार्तिक समाप्त हो जाता है, वही दिन है जिस दिन है श्री गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज जी का आविर्भाव. Many follow from Ekadashi to Ekadashi Kartik, so therefore for them Ekadashi Kartik ends on that day. But for those who follow like us, we follow from Purnima. So our Kartik ends on Purnima. So this is the Ekadashi, the 11th day, 4 days before the end of Kartik for us. So, kai log Kartik ka palan karte hain Ekadashi se Ekadashi se lekar, aur hum karte hain Purnima se Purnima. To hamare liye is Purnima ke pehle 4 din wali jo Ekadashi hai, ya ve Ekadashi hai. Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj is worshipped on our altar as the Param Gurudev for Srila Prabhupada and the Gurudev of Srila Saraswati Thakur. So Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj hamare mandir mein pooje jate hain Srila Prabhupada ji ke Param Guru ke roop mein aur Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur ji ke Guru ke roop mein. By hearing about his life, one can purify one's heart completely. Unki zindagi ke bare mein, unke jeevan ke bare mein sunke, हम हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हैं। श्रुतस्य पुंसाम सुचिराश्रमस्य नान्वञ्जसा सूरिविरीडितर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्दः पादारविन्दं हृदयेषु येषां। The third canto, 13th chapter, text 4. This verse of Srimad Bhagavatam gives us an eye-opening instruction. तो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 4th श्लोक में हमें एक आंख खोल देने वाला उपदेश मिलता है। श्रुतस्य पुंसाम सुचिरश्रमस्य नान्वञ्जसा ईडितर्थः तत्तद् गुणानुश्रवणं मुकुन्दः पादारविन्दं हृदयेषु येषां। When someone studies the shastra for a long, long time with determination, then Krishna gives him a fruit. तो जब कोई शास्त्र को बहुत समय तक पढ़ता है दृढ़ता के साथ, तब कृष्ण उन्हें एक फल देते हैं। And that fruit is the opportunity to hear about the life of great souls who have bound Krishna in their heart, like Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj. और वो फल है हमें वो अवसर देना कि ऐसे महान भक्तों के बारे में सुनने के लिए जिन्होंने अपने हृदय में कृष्ण को बांध दिया है, और ऐसे एक महान वैष्णव है श्रीला गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज। Of course, we may not have studied Shastra for a long time and with a lot of determination, but we are still getting a chance to hear about these great souls. This is an example of Krishna's kripa. Beshak humne Shastra bahut samay tak nahi padha, na hi dridhta ke saath padha hai, lekin phir bhi hume avsar mil raha hai itne mahan vaishnav ke bare mein sunne ke liye. Ye Krishna ki bahut badi kripa hai. So for the next 1 hour or so, we will hear about Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, but specifically one aspect about his life, that is the focus on Sadhu Sangha. So, ab se ek ghante ke liye hum Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj ke jeevan ke bare mein sunenge, aur khas karke ek vishay ke bare mein jo hai Sadhu Sangha. Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj is worshipped as Sakshad Vairagya Murtaye, as the direct manifestation, the direct personification of Vairagya. Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj ki puja ki jati hai Sakshat Vairagya Murtaye. Wo Vairagya ke swaroop mane jate hain. What is this word Vairagya? Ye shabd Vairagya kya hai? There are two meanings. Iske do arth hain. Vai Rag. Rag means attachment and Vai means Vigataha.
to leave. So he who has no attachment in this world is called Vairagya Mukti. तो राग का अर्थ है आसक्ति और वही का छोड़ देना. तो जिसे इस भौतिक जगत में कोई आसक्ति नहीं है वो है वैराग्य. But this is not Phalgu Vairagya. This is not imitator pretender renunciation. This is Yukta Vairagya, proper renunciation. परंतु ये फाल्गु वैराग्य नहीं है, ये नकल करने वाला वैराग्य नहीं है, ये युक्त वैराग्य है, ये वास्तविक वैराग्य है. So second meaning of the word vairagya means vai means vishesha rupena in a very special way, and the word raga means anurag, love for Krishna. So when someone has very special attachment and love for Sri Krishna, then automatically vigata raga, then attachment in this world is destroyed. वैराग्य शब्द का दूसरा अर्थ है वही, मतलब विशेष रूप से, और राग मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम. तो जब किसी को विशेष रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम है तो उसका इस भौतिक जगत से आसक्ति टूट जाती है और भौतिक वैराग्य प्राप्त होता है. अनासक्तस्य विषयान् यथार्थम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम् उच्यते. वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयित्यासु वैराग्यम् ज्ञानम् यच्च अहैतुकम्. The Bhagavatam has described that, and even Bhakti Rasamrita Sindhu, that the proper way to be detached here is to have alternative attachment. तो श्रीमद् भागवतम और श्री भक्ति रसामृत सिंधु के इन दो श्लोकों से हमें पता पड़ता है कि सही तरीका वैराग्य का यह है कि इस भौतिक जगत से अनासक्त होना और कृष्ण से आसक्त होना. श्रील गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज, he did not appear in a Brahminical family or a Kshatriya family, he appeared in a Vaishya family, like Sri Krishna. तो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का प्राकट्य ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में नहीं हुआ, परंतु वैश्य परिवार में हुआ, श्री कृष्ण की तरह. But he was given the name Vamshidas as he appeared. परंतु जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ, उन्हें नाम दिया गया था वंशीदास. Where did he appear? He appeared in the holy land of the present day Bangladesh. कहां पर वे उनका आविर्भाव हुआ? उनका आविर्भाव हुआ आज के पवित्र भूमि, जिसको कहा गया जाता है बांग्लादेश. I have had a few devotees inviting me there, but durdaivam idrisham. It is my unfortunate situation that I am not able to visit this land, the land where great personalities like Narottam Das Thakur, like Haridas Thakur, like Pundarik Vidyanidhi, and now Gaurkishore Das Babaji have appeared. तो मुझे कई समय से वहां के भक्त आमंत्रित कर रहे हैं बांग्लादेश में आने के लिए, परंतु मेरा सौभाग्य नहीं हुआ है कि मैं वहां जा सकूं, उस स्थान में जहां प्रसिद्ध वैष्णवों का प्राकट्य हुआ, जैसे कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीला हरिदास ठाकुर, श्री पुंडरिक विद्यानिधि, और अब जिसे जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज. Very much like Narottam Das Thakur, Gaurkishore Das Babaji Maharaj appeared on the banks of the Padma River, that same river where Sri Chaitanya Mahaprabhu from his heart inundated that river with Krishna Prem. He told Padma Nadi that my Narottam will come here. You please embrace him and I am giving you Krishna Prem. Let that Krishna Prem touch his heart. On the banks of this Padma River, Srila Gaurkishore Das Babaji appeared. तो श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का आविर्भाव भी उसी पद्मावती नदी के तट पर हुआ, जहां पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम जमा किया था और पद्मावती नदी से कहा था कि जब नरोत्तम दास यहाँ आएंगे तो आप ये कृष्ण प्रेम उन्हें दे देना. गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, he was married off very quickly, you know, as the custom used to be. As a child, he got married by the arrangement of his parents. Srila Gaurkishore Das Babaji ka Maharaj ka vivah bahut hi jaldi kar diya gaya tha unke mata pita dwara. And for 29 years he lived in Grihasthashram. Very, very responsible, like a grain merchant. He would work as a grain merchant, and with that money he would maintain his family for 29 years. To 29 varsh के लिए वो गृहस्थ आश्रम में रहे, और वे एक व्यापारी, अनाज के व्यापारी थे, और यह कार्य करके वो अपना गृहस्थ आश्रम संभालते थे. Unfortunately, his wife departed at that time after 29 years of grihastha life, after which Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj ran to Vrindavan
and took Babaji Vesh. तो इस प्रकार उनकी पत्नी 29 वर्षों बाद वे इस जगत से चल गईं, चल बसी, और जैसे ही वे चल बसी, शिला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज वृंदावन की ओर भागे और वहां उन्होंने बाबाजी आवेश लिया. He took shelter of a very great soul by the name Srila Bhagavat Das Babaji Maharaj and took Babaji Vesh from him. Babaji Vesh means Paramahamsa Vesh of a great renunciant in this world. तो वे एक और महान वैष्णव शिला भागवत दास बाबाजी महाराज का शरण लिया, शिला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ने, और उन्होंने इनसे ये बाबाजी वेश धारण किया, जिस ये बाबाजी वेश इस जगत में सबसे उत्तम परमहंस का श्रेणी है. Who is this भागवत दास बाबाजी महाराज, who was the वेश गुरु of गौर किशोर दास बाबाजी? ये भागवत दास बाबाजी महाराज कौन है जो शिला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के वेश गुरु थे? He was the direct disciple of शिला जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज. तो वो शिला जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के प्रत्यक्ष शिष्य थे. This is as far as वेश परंपरा is concerned. Now as far as शिक्षा परंपरा is concerned, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज took शिक्षा from Srila Bhakti Vinod Thakur, who was also a disciple of Jagannath Das Babaji Maharaj. So from both sides, Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj had very deep, deep connection with a great Rasik Vaishnav, Vaishnav Sarva Bhauma, Jagannath Das Babaji. तो ये संबंधित था वेश परंपरा से, परंतु शिक्षा परंपरा से उन्होंने शिक्षा ली थी शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से, जो भी शिला जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के शिष्य थे. तो इस प्रकार से देखा जाता है कि शिला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज का संबंध था शिला जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से. अपार्ट फ्रॉम दैट, शिला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज आल्सो हैड डायरेक्ट मीटिंग्स विद जगन्नाथ दास बाबाजी. इसके अलावा शिला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की व्यक्तिगत में भी मुलाकात हुई थी शिला जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज से. इन द ईयर 1893 देयर वाज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट दैट टुक प्लेस. 1893 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रतिस्पर्धा हुई थी. There's a very very important event in the sense it was historic for the Gaudiya Parampara because Bhaktivinoda Thakur had discovered the Yogpeeth, the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने योगपीठ को खोजा था. Which is the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. जो चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव की का स्थान है. So there, to confirm this place, our Jagannath Das Babaji Maharaj came there. Bhaktivinoda Thakur was, of course, discovering the place. And because Bhaktivinoda Thakur's Anugatya, the Siksha disciple, is Gaur Kishore Das Babaji, Gaur Kishore Das Babaji came, Bhaktivinoda Thakur came, Jagannath Das Babaji, all the three of them met there. तो इसकी पुष्टि करने के लिए श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज उस स्थान पे आए क्योंकि शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज उस स्थान को खोज रहे थे. वे भी वहां आए और क्योंकि शिला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी से शिक्षा ले रहे थे, वे भी उस स्थान पर पहुंचे. एंड देयर जगन्नाथ दास बाबाजी लुक्ड एट गौर किशोर दास बाबाजी महाराज एंड सेड, व्हाई आर यू रनिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन वृंदावन एंड नवद्वीप? इट इज माय इंस्ट्रक्शन, चैतन्य महाप्रभुस बर्थ प्लेस हैज बीन फाउंड. For the rest of your life, just live here and chant Hare Naam. तो वहाँ शिला जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज ने शिला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से कहा कि क्यों आप वृंदावन और नवद्वीप के बीच में भाग रहे हैं? अब श्री नवद्वीप में योगपीठ, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का खोज हुआ है, अब आप यहीं पर रहिए और हरिनाम कीजिए. गौर किशोर दास बाबाजी महाराज सेटल्ड इन नवद्वीप इन 1893 एंड लिव देयर till 1914 or 1915 and never left. 1915 he left this material plane of vision, he wrapped up his pastime, but till that end for 20 years literally he stayed in Navadvip without leaving. That is how much love and respect he had for the words of Jagannath Das Babaji. To usi samay se Shila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj usi sthan par rahe 1915 tak. और 1915 तक वो वही थे और जिसके बाद उनकी लीलाएं इस जगत से समाप्त हो गईं. इतना प्रेम था श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज को शिला जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के लिए.
While living in Navadvip, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj would visit Godrum Dweep, where Bhaktivinoda Thakur had made an ashram, Swananda Sukhada Kunja, and he would give Harikatha from 3 o'clock in the afternoon to 5 o'clock, 2 hours every day. Bhaktivinoda Thakur would speak an hour. Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj would go to Swananda Sukhada Kunj at Godrum Dweep and hear from Thakur Bhaktivinoda every day. तो वहां पर प्रतिदिन के लिए श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज गोद्रुम द्वीप जाते थे स्वनंद सुखद कुंज में, जहां श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर हर रोज 3 से 5 बजे तक कथा करते थे और श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बैठकर उनसे सुनते थे. सो दिस इज द प्लेस वेयर आवर लिटिल विमल प्रसाद आवर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर सॉ हिज गुरुदेव श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ. और यही वह स्थान है जहां पर हमारे बिमल प्रसाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पहली बार शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का दर्शन किया. His hair stood on end. उनके बाल खड़े हो गए. He felt like rolling in the dust of the lotus feet of Gaur Kishore Das Babaji. उन्हें लगा कि वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की चरण धूलि में उलट पुलट कर जाएं. He went and asked his father, "Who is this Mahabhagavat who's coming and hearing Harikatha?" उन्होंने अपने पिता से पूछा, कौन है ये महाभागवत जो यहाँ आकर हरिकथा सुन रहा है? And our Bhaktivinoda Thakur started describing with thousand mouths the glories of his Siksha disciple, Srila Gaur Kishore Das Babaji. और श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर उन्हें अपने हजारों मुख से श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो इनके शिष्य हैं उनकी महिमा का वर्णन करने लगे. He started explaining, "Oh, this Mahabhagavat Vaishnav, he is very attached to everything in the dham, the dust, the trees, even the dogs." तो वो कहने लगे कि ये महाभागवत वैष्णव इस धाम की हर वस्तु से आसक्त हैं, यहाँ की धूल, यहाँ के वृक्ष और यहाँ के कुत्ते तक. He does madhukari, he begs from home to home, doesn't expect anything, but whatever naturally Krishna sends in his begging bowl, that's what he accepts. वे मधुकरी करते हैं घर घर जाके, वो किसी से कुछ इच्छा नहीं रखते और कृष्ण जो भी उनके लिए भेज देते हैं वे बस उससे ही स्वीकार करते हैं. And if he doesn't get anything, he will drink water of the Ganga and eat the mud on the banks of the Ganga. और अगर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वो गंगा माँ का जल पिएंगे और गंगा के तट पर जो रेत है उसे ग्रहण करेंगे. But he will not take any seva from anyone because he considers everyone to be superior to him. How can I take seva from someone who is superior to me? परंतु वो किसी और व्यक्ति से कभी सेवा नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि हर कोई उनसे ज्यादा बेहतर है, तो मैं मेरे से बेहतर व्यक्ति से किस प्रकार सेवा ले सकता हूँ. And if someone would come and touches the dust of his lotus feet, he will open his eyes and he would say, "You are doomed." और अगर कोई आकर उनके चरण कमल को स्पर्श कर लेगा तो वो उसे बोल देंगे, आप समाप्त हो जाएंगे. And he would go and hide himself in a public toilet. और वो अपने आप को शौचालय में जाकर छुपा लेंगे. In a place which is so dirty and has some obnoxious smell that no one will enter and trouble him, and there inside he's chanting Hare Krishna, Hare Krishna. और वो स्थान इतना गंदा है, वहां इतनी बदबू है कि वहां कोई आएगा भी नहीं, और वहां बैठकर श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जप कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा. श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज has no possession in this world except 3 things. श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की इस जगत में कोई संपत्ति नहीं है सिवाय 3 वस्तुओं के. कंची माला, जपमाला, जपमाला एंड 2 books ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर, प्रार्थना एंड प्रेम भक्ति चंद्रिका. और श्री नरोत्तम दास ठाकुर की 2 पुस्तकें, प्रार्थना और श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका. Anyone who would come to Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj and ask, "I want Krishna Prem," Gaur Kishore Das Babaji Maharaj would say, "Oh, you can purchase it in 25 paisa." कोई भी यदि श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास आकर उनसे पूछेगा, ओ मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, तो श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उन्हें कहेंगे, आप इसे 25 पैसे में खरीद सकते हैं. And then he would laugh and he would say, "No, no,
10 paisa. और फिर वो हंस देंगे और कहेंगे नहीं नहीं 10 पैसे में. Actually, you can purchase Krishna Prem in 5 paisa. हकीकत में आप कृष्ण प्रेम खरीद सकते हैं 5 पैसे में. But because you're sincere, I will tell you, you can purchase it in 2 paisa. पर क्योंकि आप ईमानदार हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप 2 पैसे में इसे खरीद सकते हैं. In 2 paisa, you can purchase Prem Bhakti Chandrika and Prarthana, these 2 books of Narottam Das Thakur, which are in very sweet Bengali language. All the essence of all the Shastras are crushed together in simple Bengali flow. By singing these songs and behaving according to the principles given in the songs, one will get love of God. Of this, there is no doubt. तो केवल 2 पैसे में आप ये 2 पुस्तकें प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका इसे खरीद सकते हैं और बहुत ही मधुर बंगाली भाषा में इसमें पूरे शास्त्रों का सार है और इन वैष्णव गीत जो इन पुस्तकों में है इनको गाकर और इनमें जो सिद्धांत दिए गए हैं इसी प्रकार से अपना जीवन बिताकर आप अवश्य ही कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे इसमें कोई शंका नहीं है. So the devotees ask, if the book is 2 paisa, then why 25 paisa you said in the beginning? तो भक्त उनसे पूछते हैं अगर ये पुस्तकें 2 पैसे की हैं तो पहले आपने 25 पैसा क्यों कहा? गौरकिशोर दास बाबा जी said 2 paisa to purchase the book, but 23 paisa to feed the brahmanas and the vaishnavas and the dogs and the trees so that they can bless you so that you can understand these books. तो 2 पैसे ये पुस्तकें खरीदने के लिए और बाकी 23 पैसे ताकि आप जो यहाँ पर वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, जो वृक्ष हैं, जो कुत्ते हैं, उनको खिला सके ताकि उनको खिलाने के बाद आप ये पुस्तकें समझ पाएंगे. These books are filled with all the tattvas. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma comes from Prem Bhakti Chandrika. तो ये जो 2 पुस्तकें हैं, ये तत्व से भरी हुई हैं. श्री गुरु चरण पद्मा ये जो गुरु वंदना है ये श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका से ही आती है. गुरु निष्ठा इज टॉट इन दीज बुक्स. इन पुस्तकों में गुरु निष्ठा सिखाई गई है. द सॉन्ग्स टू नित्यानंद प्रभु निताई पद कमल और टू श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांगेर दुटी पद दैट इज फाउंड इन दीज बुक्स. तो ये 2 वैष्णव गीत गौरांग दुटी पद और निताई पद कमल ये 2 भी इन 2 पुस्तकों में मिलते हैं. Songs glorifying the Vaishnavas so that we can increase Vaishnav Nishtha, that is found in these books. Geet jo Vaishnavon ki mahima ka gungan kar rahe hain taaki hum Vaishnav Nishtha ko bara sake, ye bhi in 2 pustakon mein prapt hote hain. Radha Krishna Pranamor Jugal Kishor Jeevane Morane Gati Ara Nahi Mor. Worship of Radha Krishna is found in these books. To ye jo Vaishnav geet hai Radha Krishna Pranamor श्री श्री राधा कृष्ण को पूजने के विषय में ये जो गीत है ये भी इन्हीं पुस्तकों में से मिलता है. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर ग्लोरीज टू द लैंड ऑफ वृंदावन दैट इज फाउंड इन दीज बुक्स. वृंदावन रम्य स्थान जो श्री वृंदावन धाम की महिमा है ये भी हमें इन पुस्तकों से प्राप्त होती है. एंड लास्टली हरि हरि कबे मोर होई वे सुदीन ओ हैंकरिंग एंड क्राइंग एंड वीपिंग ओ व्हेन विल दैट डे बी माइन व्हेन आई कैन बी एट द लोटस फीट ऑफ राधा एंड कृष्णा एंड वृंदावन टीचिंग अस टू क्राई फॉर कृष्णा दैट इज आल्सो फाउंड इन दीस बुक्स. और ये वैष्णव गीत हरि हरि कबे मोरे होई वे सुदीन के कब वो दिन होगा कि जब मैं श्री श्री राधा कृष्ण को पा सकूंगा श्री वृंदावन धाम में ये वैष्णव गीत भी इस पुस्तक में प्राप्त होता है. When Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur starts hearing the glories of Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, he decides, I want to surrender to this great soul. So, jab Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki mahima ke baare mein sunne lagte hain, wo faisla karte hain ke mujhe ye mahan atma ka sharan lena hai. In fact, in the year 1917, in the Sajjana Toshini magazine, Srila Saraswati Thakur in volume number 19 speaks about his meeting with Srila Gaur Kishore Das Babaji. Asal mein Sajjan Toshini mein jo matra 19 mein Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur unki mulaqat Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj se yahan par batate hain. And he explains the glories of Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, and he entitles this article as Amar Prabhur Katha, the glorious story narration of my master.
तो इस जो जो लेख है उसका शीर्षक है प्रभु, कैन यू से द अमर अमर प्रभु कथा, अमर प्रभु कथा, जहां पर वो उनके गुरु शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के महिमा का गुणगान करते हैं। सरस्वती ठाकुर टेक्स अ वेरी हम्बल पोजीशन एंड एक्सप्लेन्स अ स्टोरी। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत ही विनम्र स्थिति लेते हैं और ये कथा समझाते हैं। सरस्वती ठाकुर सेज आई वाज वेरी प्राउड ऑफ माय स्कॉलरशिप। सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि मुझे मेरे ज्ञान पर बहुत घमंड था। माय हार्ट वाज फिल्ड विद वैकेंसी। मेरा हृदय है वो रिक्ति से भरा हुआ था। आई ट्राई टू फिल इन बाय मेनी मटेरियल परसूट्स by many scholastic approach, but what remained was vacancy. मैं इसे बहुत भौतिक चीजों से भरने की कोशिश की, ज्ञान से भरने की कोशिश की, परंतु तो भी वो खाली ही रहा। I was very independent because I was filled with anarthas. मैं बहुत ही स्वतंत्र था क्योंकि मैं अनर्थों से भरा हुआ था। I was filled with my past karmic reactions, which would not let me surrender to anyone. मैं अपने पूर्व कर्म के फलों से भरा हुआ था, जो मुझे रोकते थे किसी का भी शरण लेने के लिए. Even when I went to a sadhu, I would only see faults in him. अगर मैं किसी साधु के पास भी जाता, तो मुझे उनमें सिर्फ दोष नजर आते. I would not see him anyway better than me, so I would think, how will he save me? मुझे वो साधु मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं लगता, तो मैं सोचता ये कैसे मुझे बचाएगा। How can a student who is independent yet at the same time tries to act as if he's dependent on guru, how can he make advancement? तो एक छात्र जो खुद को स्वतंत्र समझता है और वो एक गुरु का शरण लेना चाहता है ये सोच के कि वो उस पे निर्भर है, तो वो किस प्रकार प्रगति कर पाएगा? He is externally acting, oh I have guru nishtha, but internally he is kapata murtiman, he is the personification of duplicity. तो बाहर से वो दिखा रहे हैं कि मुझे गुरु निष्ठा है, परंतु अंदर से तो सिर्फ कूटी नाटी भरी हुई है। He sits at the lotus feet of guru, hears very carefully, but still doesn't follow the instructions completely. He takes what is suitable for his false ego and then leaves the service, does other things and then comes back again to see what is favorable, and in this way he ends up cheating the guru and cheating himself. तो वो गुरु के चरणों में बैठकर गुरु से सुनता है, परंतु उनकी सभी शिक्षाओं का पालन नहीं करता। वो उनकी शिक्षाओं से वही चुनता है जो उसे लाभदायक लगता है, फिर वो कुछ सेवा करता है, फिर वो आकर अपने गुरु से सुनता है और अपने लाभ की चीजें ही ग्रहण करता है। इस प्रकार से वो अपने आप को भी धोखा देता है और अपने गुरु को भी धोखा देता है। More than what is beneficial for him, he accepts what is beneficial for his false ego. उनके लिए क्या लाभदायक है उससे अधिक वे चुनते हैं कि उनके अहंकार, झूठे अहंकार के लिए क्या लाभदायक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कंटिन्यूज टू से, एंड द वर्स्ट इज आफ्टर ऑल दिस, व्हेन द गुरु इज ट्राइंग टू सेव द डिसाइपल इज कन्विंस्ड दैट द गुरु मे बी स्पेशल बट ही इज जस्ट अनदर मियर मॉडल। सॉरी प्रभु, आई हैड लॉस्ट माय कनेक्शन, सॉरी। यस यस, सरस्वती ठाकुर सेज द वर्स्ट इज नाउ टू कम। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं जो सबसे बुरा है वो अब आने वाला है। He serves his Gurudev. वो अपने गुरु की सेवा करते हैं। But he is convinced that Guru is just another mere mortal. Maybe better than me, but he's still after all mere mortal. परंतु वो सोचते हैं कि गुरु भी एक साधारण नाशवान व्यक्ति है। अब मुझसे थोड़ा अच्छा होगा, परंतु फिर भी दूसरा नाशवान व्यक्ति ही है। Oh, he feels hungry like I feel hungry. He feels sleepy like I feel sleepy. He goes to the bathroom that I go to the bathroom. He chants little more than me, but he is ultimately a mere mortal. तो मुझे भूख लगती है, उन्हें भी भूख लगती है। मैं सोता हूँ, वो भी सोते हैं। मैं शौचालय जाता हूँ, वो भी शौचालय जाते हैं। मेरे से थोड़ा अधिक जप करते हैं, लेकिन मेरे तरह ही एक और नाशवान व्यक्ति है। श्री कृष्ण हैज ब्रोकन दिस आर्गुमेंट इन द 11th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्री कृष्ण ने ये तर्क को तोड़ दिया है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में। कृष्ण टेल्स उद्धव, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, आचार्य माम विजानीयम नावमन्येत कर्हिचित,
न मर्त्य बुद्धि सूयेत सर्वदेव मयो गुरु दैट आचार्य माम विजानियम अंडरस्टैंड श्री गुरु टू बी मी. तो वे ये श्लोक द्वारा कहते हैं आचार्य माम विजानियम कि जो गुरु हैं उनको समझिए कि वो मेरे बराबर हैं, मैं ही हैं. न अवमन्येत करहिचित, नेवर डिसरेस्पेक्ट हिम. न अवमन्येत करहिचित, कभी उनका अनादर नहीं कीजिए. अनादर और डिसरेस्पेक्ट हियर डजंट मीन नॉट गेटिंग अप व्हेन ही कम्स और नॉट बाउइंग डाउन व्हेन ही इज वॉकिंग, बट एक्चुअल डिसरेस्पेक्ट इज न मर्त्य बुद्धि सूयेत, टू थिंक विथ मर्त्य बुद्धि that he is a mere mortal like me. तो यहाँ अनादर का अर्थ ये नहीं है कि जब वो आए मैं खड़ा नहीं हूँ, जब वो गुजरे मैं उन्हें प्रणाम नहीं करूँ, परंतु इसका अर्थ यह है कि गुरु को अपने तरह ही एक नाशवान व्यक्ति समझना, ये अनादर है. The shastras have glorified guru tattva like no other tattva. तो शास्त्र ने गुरु तत्व का गुणगान किया है इतने अधिक मात्रा में कि कोई और तत्व का इस तरह गुणगान नहीं किया. The Narada Puran describes, Vyasadev says, tattvam guru samam nasti. There is no tattva like guru tattva. तो नारद पुराण में कहा गया है कि गुरु तत्व की तरह और कोई तत्व नहीं है. So therefore, all the Puranas, all the Upanishads come to one point. इसलिए सभी पुराण, सभी उपनिषद इस एक बात पर आते हैं. प्रथमं तु गुरुं पूज्य. First of all, Guru must be worshipped. Tathaischa mama archanam. After that, Krishna says, "You worship me." तो प्रथमम गुरु पूज्य के सबसे पहले गुरु की पूजा होनी चाहिए और उसके बाद कृष्ण कहते हैं फिर आप मेरे पास आइए. And if someone does that, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य थे कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना. If someone worships Guru like they worship Krishna, then on these two tracks of devotion, the train of bhakti will proceed. तो अगर कोई ऐसा करेगा, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, कि अगर वो गुरु को कृष्ण समान ही पूजनीय समझेगा, तो इन दो पटरियों पे गुरु और कृष्ण पे चलकर वो कृष्ण को प्राप्त कर सकेगा. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर now writes that when I saw my Gurudev Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, I was so impressed by his naam bhajan. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब मैंने मेरे गुरु श्रील गौर किशोर दास बाबा जी को देखा, मैं उनके नाम भजन से बहुत प्रेरित और प्रसन्न था. सरस्वती ठाकुर राइट्स, इफ आई वुड हैव सीन माय गुरुदेव चैंट 23 आवर्स 59 मिनट्स एंड 59 सेकंड्स एंड कीप 1 सेकंड फॉर हिमसेल्फ, आई वुडंट हैव सरेंडर्ड. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर मैं मेरे गुरु को देखता जप करते हुए 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड, और अगर वो एक सेकंड भी अपने लिए रखते तो मैं उनका शरण नहीं लेता. But because he was chanting and remembering Sri Hari, crying and weeping 24 hours a day, although I was not ready to surrender, he stole my heart by force. परंतु क्योंकि वे 24 घंटे भगवान का नाम जप कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, उनके बारे में सोच के आंसू बहा रहे थे, परंतु मैं तैयार नहीं था उनका शरण लेने के लिए, परंतु उन्होंने मेरा हृदय चुरा लिया. श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज had so much attachment to Harinam that he did not have a single deity in his life. श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज को इतनी आसक्ति थी हरिनाम से कि उनके पूरे जीवन में उनके पास एक भी विग्रह नहीं था. He had a big stone slab. उनके पास एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा था. In which he had written Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जिनमें इस पत्थर के बड़े टुकड़े में उन्होंने लिखा था हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. And he would bring pots and pots of water from the Ganga and offer it on this stone slab and say, I am doing Abhishek, Radha and Krishna. तो वो बहुत सारे बर्तन पानी के भरकर आते मटके गंगा मई से और इसे इस पत्थर पर डालते और कहते हाँ मैं अपने विग्रह का अभिषेक कर रहा हूँ गंगा के जल से. He had complete darshan and complete realization that the name of Sri Krishna is none different from the form. उन्हें पूर्ण दर्शन था और पूर्ण साक्षात्कार था इस बात का कि भगवान का नाम और भगवान के रूप में कोई फर्क नहीं है. Although he did not even know to read and write, the only thing he knew to write was the Hare Krishna Mahamantra. He had learnt so that he can write Hare Krishna on the stone and worship. Halatki ve likhna aur padhna nahi jante the,
परंतु उन्हें एक चीज लिखना उन्होंने सीखा था, ये हरे कृष्ण महामंत्र, कि वो इसे इस पत्थर के बड़े टुकड़े पर लिख सके. When one family came to Srila Gaurkishordas Babaji Maharaj just after their marriage, he gave a very beautiful instruction to them. एक परिवार श्रीला गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज के पास आया. उनके विवाह के तुरंत बाद श्रीला गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज ने उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया. गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज told the wife, "Yes, you should serve your husband and assist him in his naam bhajan." उन्होंने उस वहां पर उस परिवार में जो धर्म पत्नी है उन्हें उन्होंने उन्हें कहा कि हाँ, आप अपने पति की सेवा कीजिए और उनके हरि नाम में उनकी सहायता कीजिए. And he told the husband something very interesting. Said, "You should see the form of your wife and offer your obeisances, touching your head to her lotus feet, understanding that she belongs to Krishna and not you." और उन्होंने उस पति को एक बहुत ही दिलचस्प बात कही कि आप अपनी पत्नी को जब देखते हैं अपना माथा उनके पैर पर रख के उन्हें प्रणाम कीजिए इस दृष्टि से कि ये कृष्ण की संपत्ति है आपकी नहीं. And then he told the wife. Srila Gaurkishordas Babaji Maharaj told the wife. Sorry. और फिर उन्होंने उनकी धर्मपत्नी से कहा, "If he comes close to you with the spirit of enjoyment, you take a stick and hit him black and blue." तो अगर आपका पति आपके निकट आता है भोग की इच्छा रखते हुए तो आप एक छड़ी लेके उन्हें मार सकते हैं. Then they were very impressed that this sadhu is very high class. तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और उन्हें लगा कि ये साधु तो बहुत ही उच्च श्रेणी का है. They spread the word around that this sadhu is not like other so-called babajis who were acting like babajis, but they had illicit activities behind. तो उन्होंने इस बात को फैलाया कि ये साधु हैं, वो और अन्य बाबाजियों की तरह नहीं हैं, जो बाहर से अपने आप को साधु दिखा रहे हैं परंतु अंदर से उन्हें बहुत सारे अवैध संग हैं. Srila Gaurkishordas Babaji Maharaj was so strict as far as association of women is concerned that this upcoming story will open our eyes. तो स्त्री से संबंध के विषय में श्रीला गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज इतने कठोर थे कि अब मैं जो आगे आपको कथा बताने जा रहा हूं उससे हमारी आंखें खुल जाएंगी. But our Srila Gaurkishordas Babaji Maharaj, he had rice in a pot that he was cooking. श्रीला गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज के पास एक मटके में चावल था जिसे वो पकाने जा रहे थे. And after it was cooked, it was very hot for Krishna to have, so he kept it to the side. और पक जाने के बाद वो बहुत गर्म था, वो भगवान को भोग नहीं चढ़ा सकते थे, तो उन्होंने उसे अलग एक स्थान में रख दिया. So Gaurkishordas Babaji kept it to the side and he left his small kutir or small hut for other chores. By then, a snake entered this ashram and started moving around this pot of rice. तो उन्होंने वह मटका को अपने कुटीर के एक स्थान में रखा और खुद बाहर चले गए अन्य और कार्य करने के लिए. उस बीच में वहां पर एक सांप आया और इस मटके के इर्द गिर्द घूमने लगा. And one very innocent lady, she entered and she said, "Oh, Babaji Maharaj, look, there is poison in the mat, in the hut." और एक बहुत ही निर्दोष महिला उस समय वहां आई और उन्होंने कहा, ओ गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज, इस कुटीर में विष है. And he came running and he said, "Yes, what you're saying is correct." वो भागते हुए आए और कहा, हाँ, आप जो कह रही हैं सत्य है. She said, "Look, the poison is there." उन्होंने कहा, देखो, विष वहां है. Near the snake. सांप के निकट. Gaurkishordas Babaji Maharaj said, "It is better I eat that poison rice and die than secretly associate with a woman." तो श्रीला गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज ने कहा, ये बेहतर है कि मैं ये विष भरा हुआ चावल खाकर मर जाऊं, परंतु ये उससे बेहतर है कि मैं एक कन्या से संग करूं. Maybe the other way, that it is better to eat that rice and die than to associate with the woman. तो एक कन्या से संग करने से बेहतर है कि मैं ये विष भरे हुए चावल को खाके अपना प्राण दे दूं. निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य हा हंत हंत विष भक्षणमप्य साधु. The Bhagavatam describes, for someone who wants to cross over this ocean of material existence, they should make sure
that there is no very close intermingling with the opposite sex because that will destroy everything. तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है जो बहुत दृढ़ हैं इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत जाने के लिए उन्हें करीबी रूप से स्त्री से संग नहीं करना चाहिए क्योंकि सब कुछ तबाह हो जाएगा. This is not against women. It is with respect to Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. But if women are hearing this Hari Katha, it has to be with respect to male. So it is a mutual instruction for both genders. हाँ, तो ये केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, ये दोनों लिंगों के लिए है. शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की कथा में ये स्त्री लिंग के लिए है और अगर कोई स्त्री सुन रही है तो ये पुरुष लिंग के लिए है. गौर किशोर दास बाबा जी महाराज said, if I eat that poison, the soul will be separated from the body because I will die. But if I associate with a woman, the soul will be separated from Krishna, which goes on lifetime after lifetime. So it's better I give up this body and the soul separates from the body. Then I associate very closely and with a woman and disgrace this Paramahamsa cloth and separate the soul from the super soul. So please leave the hut. This is where the poison is. Shila Gaur Kishor Das Babaji Maharaj ne kaha ke ye acha hoga ke agar main ye vish bhara chawal ise kha lunga to main atma ye sharir ko chhod dunga parantu main agar nikatta se ek stri ka sang karunga तो मैं कृष्ण से दूर हो जाऊंगा और ये हर जन्म ये चलता रहेगा. तो इसलिए कृपा करके आप इस कुटीर से निकल जाइए. यदि तुम राखते चाहो गौरांगे रसने छोटो हरिदासेर कथा थाके जनो मने. इन द प्रेम ऑफ विवर्त ऑफ जगदानंद पंडित ही हैज सेड, इफ यू वांट श्रीमन महाप्रभु टू कीप यू एट हिज लोटस फीट, मेक श्योर यू डोंट इंडल्ज इन इलिसिट एक्टिविटीज. तो प्रेम विवर्त में श्री जगदानंद पंडित ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आपको उनके चरण कमल के नजदीक रखें तो कृपया करके स्त्री संग में लिप्त नहीं होइए. असत संग त्याग ए वैष्णव आचार स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर. महाप्रभु has said the same thing in Chaitanya Charitamrita. Associating with someone who is envious of the devotees, who is duplicitous on the path of bhakti, and someone who is very attached to the opposite sex. These are the three things to give up. तो यही बात श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में भी कही है इस श्लोक में असत संग त्याग ए वैष्णव आचार कि यदि कोई भक्तों से ईर्ष्या करता है, कोई स्त्री संगी है और कोई अपने व्यवहार में बहुत कूटी नाती रखता है तो इन प्रकार के व्यक्तियों से दूर रहिए. So our Gaur Kishore Das Babaji Maharaj was so strict in this regard that one Bhagavat Kathakar came to take blessings. तो श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इस सिद्धांत में इतने कठोर थे कि एक बार उनके पास एक बाबा जी महाराज आए आशीर्वाद लेने. One very big भागवत कथाकार. Sorry, my bad. एक बहुत बड़े भागवत कथाकार. And he offered obeisances and said, "Oh, please bless me." तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और कहा, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए. गौर किशोर दास बाबा जी looked into his eyes and said, "Give up illicit sex." गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनकी आंखों में देखा और कहा, अवैध स्त्री संग छोड़ दीजिए. And this कथाकार was shaken to the core because he didn't know where that came from. और ये जो कथाकार हैं, ये एकदम हिल गए. उन्हें पता नहीं पड़ रहा था कि ये कहां से आया है. And then Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj told him, "You speak Bhagavatam, but first surrender to a great soul and speak Bhagavatam, and whatever Krishna naturally provides, you'll be happy. But don't charge for speaking Hari Katha." फिर उन्होंने उस भागवत कथाकार से कहा कि आप श्रीमद् भागवतम पे पाठ कीजिए और and surrender to a great soul, right? और एक शुद्ध भक्त का शरण लीजिए और इस प्रकार से कृष्णा जो भी व्यवस्था करते हैं आपके लिए उसमें संतुष्ट रहिए, परंतु भागवतम पढ़ने के लिए कोई पैसे नहीं लीजिए. Yeah, don't charge anyone. If you have to hear, I will charge you so much. अगर आपको सुनना है, मैं आपसे पैसे लूंगा. इस प्रकार व्यवहार नहीं कीजिए. भागवत कथाकार left, ran away. भागवत कथाकार भाग गए वहां से. Another man came to Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj and said, "Oh, Babaji Maharaj, please, kripa karo, please shower your mercy on me." एक और व्यक्ति आए श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास और उन्हें कहा, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा करके अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए. Our Gaur Kishore Das Babaji Maharaj said, "Okay, I will do kripa. Just live with me in the same hut. Never go home. Sit and chant here with me."
श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा हाँ मैं तुम पर कृपा करूंगा, यहाँ पर मेरे साथ मेरे कुटीर में रह के हरिनाम कीजिए और कभी वापस नहीं जाइए। He also ran away. वो भी भाग गए। This was Gaur Kishore Das Babaji Maharaj's giving style of giving kripa. He was just straight and so sharp in his pursuit of God consciousness that as soon as Saraswati Thakur saw him, his eyes met and his soul lit up that this is Chakshudan Dilo Jaye Janme Janme Prabhu Se, my most worshipable Gurudev. तो ये श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के देने की शैली थी। वो इतने तेज थे कि जब उन्हें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा तो वो प्रकाशित हो गए और उन्हें लगा कि यही मेरे गुरु हैं। चक्कू दान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। At another time, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, out of nowhere, he started laughing. एक और समय कोई कारण से नहीं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हंसने लगे। So one devotee asked Srila Babaji Maharaj, why are you laughing? I don't see anyone around. तो एक भक्त ने पूछा, बाबा जी महाराज आप क्यों हंस रहे हैं? मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज said, oh, you know that kathakar who gave katha in the morning? He is just having illicit sex with a widow just now, from a distance. तो उन्होंने कहा, ओ आपको पता है वो जो सुबह एक व्यक्ति श्रीमद भागवतम कथा कर रहा था, इस समय वो एक विधवा के साथ अवैध स्त्री संग कर रहा है। He said, this is what is happening if you don't do sadhu sangha. उन्होंने कहा, ऐसा ही होता है अगर आप साधु संग नहीं करते हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन 64 limbs of bhakti come down to 5 prominent ones. But that, what are the 5? To associate with the devotees, to chant the holy name, to worship the deities, to live in the dham and read Bhagavatam. तो जो 64 अंग है भक्ति से उनमें से 5 प्रमुख बताए गए हैं, हरि नाम का जप, विग्रह की पूजा, धाम में रहना, साधु संग एंड भागवत भागवत और श्रीमद् भागवतम। बट इन दैट कविराज गोस्वामी स्टार्ट्स द वर्स विद साधु संग। परंतु इन पांचों में से श्री कृष्णदास कविराज महाराज जी ये श्लोक शुरुआत करते हैं साधु संग से। सतां प्रसंगं मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्करण रसायनं कथा तज्जोषणात् आसु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। The third canto of Srimad Bhagavatam, Kapila Muni speaks to Devahuti in the 25th chapter entitled Bhakti. ये श्लोक श्री कपिल देव उनकी माता देवहूति से कहते हैं श्रीमद भागवतम के तीसरे स्कंध के 25वें अध्याय में, जिनका शीर्षक है please. The title is Bhakti. जिस अध्याय का शीर्षक है भक्ति। So there, the principle is if you want to go back home, back to Godhead, chant and hear, but in the association under the guidance of a great soul. If you try to do it independently, weeds will grow and finish us up. तो यहाँ पर ये सिद्धांत बताया जा रहा है कि आप हरि नाम का जप कीजिए और भगवान के विषय में सुनिए, परंतु एक महान वैष्णव के निर्देशन में। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभु, if we don't do this, weeds will grow and choke the bhakti lata bij. हाँ, तो हमारे जो भक्ति लता बीज हैं, उनको weeds, I'm not getting the we get destroyed. हमारा भक्ति लता बीज नष्ट हो जाएगी। So the primary thing is महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम. Just like associating with a prostitute opens the doors of hell, associating with a great soul who has bound Krishna in his heart will open the doors of prema bhakti. तो इस श्लोक से बताया जा रहा है कि जिस प्रकार एक वैश्या का संग करके हम नरक का द्वार खोल लेंगे, उसी प्रकार से अगर हम एक महान भक्त का संग करेंगे तो हम यहाँ से मुक्त होने का द्वार खोल लेंगे। श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, अपार्ट फ्रॉम कीपिंग अवे फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन साधु संग, हैड वेरी वेरी ग्रेट एम्फोसिस ऑन चैंटिंग हरिनाम। तो श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो स्त्रियों के संग से दूर रहने के साथ साथ साधु संघ के साथ साथ एक और विषय जिसमें वो बहुत महत्वपूर्ण देते थे वो है हरिनाम का जप। He would chant 200,000 names of Krishna, although he chanted 24 hours. वे 2 लाख कृष्ण के नाम जपते थे और 2400 घंटे जपते थे।
Actually, if you chant 24 hours, you can chant 3 lakh. But he was chanting only 2 lakh because he was crying and chanting. So many times he would forget to roll the beads. तो वास्तव में कोई 24 घंटे जप करे तो 3 लाख नामों का जप होगा, परंतु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज 2 लाख नामों का जप करते थे, क्योंकि वो जप करते साथ साथ रोते थे और इसलिए काफी दफा वो उनके जो जप की माला है उसे घुमाना भूल जाते थे. When a couple came and asked Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, please give us a Siddha mantra by which we can understand our constitutional swaroop, our connection to Krishna, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj told the Prabhu, come, show your ear. He went close and he chanted, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He said, this is the Siddha Pranali mantra. By chanting Hare Krishna, 16 words, 32 syllables, you will understand who you are in the spiritual world. तो एक बार एक जोड़ा आया उनके पास जिन्होंने शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से कहा कि हमें सिद्ध प्रणाली मंत्र दीजिए जिससे हम हमारा स्वरूप आध्यात्मिक जगत में समझ सके. तो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनके कानों के निकट गए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया और कहा कि यही वो मंत्र है जिसका जप करके आप आपकी आध्यात्मिक जगत में आपका क्या स्वरूप है इसे समझ सकेंगे. And while chanting the holy name, he would forget who he is. और हरिनाम जप करते समय वो भूल जाते थे कि वे स्वयं कौन हैं. Sometimes even his beads were missing, so he would not find the beads. So what he would do? He would take his dhoti cloth and tie it into 108 knots, and through those knots he would chant. और काफी समय जप करते करते उन्हें उनकी जपमाला नहीं मिलती थी. तो वो अपने धोती का कपड़ा लेते थे और उसे मोड़ के 108 बार मोड़ देते थे और उस पे जप करने लगते थे. And sometimes he used to run and embrace trees because he would see Krishna in those trees. कभी-कभी वे भाग के वृक्षों को आलंगन कर लेते थे क्योंकि उन्हें वे वृक्ष में कृष्ण नजर आते थे. And sometimes he would roll on the dust of the banks of the holy river crying, Kothai go premamai radhe radhe, Ashtasakhi shiromani radhe radhe, Vrindavaneshwari radhe radhe, Vrajajana chudamani radhe radhe. Oh Radharani, when will you give your mercy to me? और कभी कभी वो पवित्र नदियों के तट पर जो धूल है उसमें उलट पुलट करके ये गाते थे कि ओ राधा रानी कब आप मुझे अपनी कृपा देंगी. And he was very strict that he didn't want any association with any non-devotee. वो बहुत गंभीर और कठोर थे कि उन्हें किसी भी अवैष्णव का संग नहीं चाहिए था. And he was in the mood of Loknath Goswami that I will not give diksha to anybody. और वो श्री लोकनाथ गोस्वामी के भाव में थे कि मैं किसी को दीक्षा नहीं दूंगा. But just like Narottam Das Thakur served and served and served and served and stole the heart of Loknath Goswami, similarly, our Prabhupada Saraswati Thakur, by his intense perseverance and dedication, he accepted the lotus feet of Gaur Kishore Das Babaji Maharaj on the lotus of his heart. तो ठीक जिस प्रकार श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत सेवा कर करके श्रीला लोकनाथ गोस्वामी जी का हृदय पर काबू पाया, उसी प्रकार से श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जी ने भी अपने दृढ़ समर्पण से श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के हृदय को काबू कर लिया. But it was not easy. परंतु ये आसान नहीं था. He went first time and told Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, please give me diksha. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj said, okay, I will speak to Gaur Nitai and let you know. तो पहली बार जब Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj के पास गए, उन्होंने कहा, कृपा मुझे दीक्षा दीजिए. Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ने कहा, ठीक है, मैं चैतन्य और नित्यानंद से पूछ के आपको बताऊंगा. So it was okay. So Saraswati Thakur came back. And Gaur Kishore Das Babaji Maharaj said, oh, I forgot to ask. फिर दोबारा श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वापस उनके पास आए. उन्होंने कहा, अरे मैं उनसे पूछना भूल गया. And third time when he came again to the lotus feet of Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj said, your cultured behavior and your mundane scholarship are not the qualifications to get Krishna, which means he was cutting through all the layers of Saraswati Thakur's pride. These are the words of Saraswati Thakur himself. तो जब तीसरी बार श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास आए, उन्होंने कहा कि आपका जो सांस्कृतिक व्यवहार है और आपकी आपका जो ये सांसारिक ज्ञान है, इससे आप जो झूठा अहंकार है इसे काट नहीं सकते. ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
ठाकुर महाराज के शब्द थे. Now these were not the qualities to get Krishna, and by saying this, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj was cutting the false ego of Saraswati Thakur. तो ये गुण नहीं है कृष्ण को पाने के लिए, यह कह के शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का झूठा अहंकार काट रहे थे. Of course, Saraswati Thakur doesn't have any false ego, but he is showing us by his personal humility how a disciple should be reverentially disposed towards the lotus feet of Gurudev. तो बेशक शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोई झूठा अहंकार नहीं है, पर अपने उदाहरण से वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार विनम्रता से हमें गुरु का शरण लेना चाहिए. Just like Gaur Kishore Das Babaji Maharaj sought inspiration from Lokanath Goswami to not initiate, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur got inspiration from Ramanujacharya. Shripad Ramanujacharya was rejected by his Gurudev Goshtipurna 17 times, but then when he went 18th time, he was accepted. So just like Gaur Kishore Das Babaji Maharaj was seeking inspiration from Lokanath Goswami that I will not initiate, Saraswati Thakur was seeking inspiration from Ramanujacharya. That three times, no problem. Till the time I don't reach 18, I should still keep going. So, jis prakar Shila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ko prerna mil rahi thi Shri Lokanath Goswami ji se ke wo Shila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur ko diksha nahi denge, usi prakar Shila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur ko प्रेरणा मिल रही थी श्री रामानुजाचार्य से, जो 17 बार गए थे अपने गुरु से दीक्षा मांगने के लिए. तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सोचा था 3 बार नहीं मना किया, अब कोई बात नहीं, मैं और भी आगे प्रयास करूंगा. एंड देन इट गॉट रियली सीवियर बिकॉज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्टार्टेड अ व्रत कॉल्ड एज द चंद्रायन व्रत टू गेट द फीट ऑफ हिज गुरुदेव. फिर ये बहुत ही गंभीर हो गया मामला. शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चंद्रायन व्रत प्रारंभ किया अपने गुरु की कृपा पाने के लिए. So what is चंद्रायन व्रत? ये चंद्रायन व्रत क्या है? So you start on Purnima and on the day of Purnima you have 15 fistfuls of prasad. 15. तो आप पूर्णिमा पे आरंभ करते हैं इस व्रत को और आपको सिर्फ 15 मुट्ठी भर के प्रसाद पाना चाहिए पहले दिन पर. Next day, you reduce it to 14, and then 13, and then 12, and then 11, and then 10. And finally, on the day of Amavasya, you fast all day empty, and then you go another 15 days back to Purnima. 1, 2, 3. So in this way, practically one whole month, we are fasting with hardly few fistful of prasad. So in this way, pehle din aap sirf 15 mutthi prasad pa sakte hain. दूसरे दिन 14, उसके बाद 13, 12, एक एक मुट्ठी घटाकर ऐसा करेंगे तो अमावस्या के दिन पूरा दिन आपको व्रत रखना है, और फिर उस अमावस्या से दूसरे पूर्णिमा तक फिर एक एक मुट्ठी बढ़ाकर एक मुट्ठी, दो मुट्ठी इस प्रकार प्रसाद ले सकते हैं. तो पूरे महीने में हम देख सकते हैं कि हमें कितने कम संख्या में प्रसाद हम पा सकते हैं. And Saraswati Thakur took this vrat that I will chant all day and night. And even after Chandrayan Vrat, if I don't get the lotus feet of my Gurudev, I will jump and give up my body, jump into the river and give up my body if I don't get the dust of the feet of Srila Gaur Kishore Das Babaji. So, iske saath saath Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ne ye bhi vrat liya ke ye ve din aur raat Hari Naam ka jap karenge, aur is jap aur Chandrayan Vrat ke baad bhi yadi unhe apne guru Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ka sharan nahi mila, to wo nadi mein kood kar apni jaan de denge. So the father, Srila Bhakti Vinod Thakur, he felt very, very sorry that his son was actually going through so much vrat. He told Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, please accept my son. So unke pita, Srila Bhakti Vinod Thakur, ko bahut afsos hua ki mera putra itni kathinai se guzar raha hai. Unhone Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj se kaha, kripa unhe swikar kijiye, unhe diksha de dijiye. So therefore in the year... Sorry. And Gaur Kishore Das Babaji Maharaj aur Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ne unhe swikar kiya. So therefore in the year 1900 Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj accepted Saraswati Thakur and he did something very very astonishing which was never seen before in the life of Gaur Kishore Das Babaji. Is prakar 1900 varsh mein Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ne Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Maharaj ko apna shishya swikar kiya aur unhone ek bahut mahatvapurna कार्य किया जो पहले कभी देखा नहीं गया था.
वजह जी जो क्या किया उन्होंने व्हेन बिमल प्रसाद यंग सरस्वती ठाकुर केम गौर किशोर दास बाबा जी महाराज रब द डस्ट फ्रॉम हिज लोटस फीट एंड ही स्प्रिंकल्ड इट ऑन द हेड ऑफ सरस्वती ठाकुर तो जब युवक शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पास आए तो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने अपने चरण कमल से धूली ली और उसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के माथे पर लगा दिया Before he would say, you are doomed. But now he was scratching himself and giving kripa. तो पहले वो कहते थे आप समाप्त हो जाओगे परंतु अब उन्होंने अपने चरण से धूल उठाकर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पर कृपा की भक्त पद धूलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीनी महाबल कविराज गोस्वामी has mentioned in Chaitanya Charitamrita the three power potent ways to make advancement in Kali Yuga are to take the dust from the lotus feet of a Vaishnav, to drink the Charanamrit at the feet of a Vaishnav, and to accept the remnants from the plate of a Vaishnav. तो श्रीला कविराज गोस्वामी जी ये समझाते हैं कि तीन बहुत महत्वपूर्ण अंग आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए है एक वैष्णव की चरण धूली जो जल वैष्णव के चरण धो चुके हैं उन जल And remnants from the plate, Prabhuji. और उन उन और जो प्लेट से उन्होंने प्रसाद लिया है उनका उच्चिष्ट उनका उच्चिष्ट So Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, as soon as he offered the dust from his lotus feet on the head of Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur writes, I fainted, I forgot who I was, all my material coverings of illusion were smashed, and I realized how I am not this body but spirit soul, just by the touch of the lotus feet, dust of Srila Gaur Kishore Das Babaji. Hare Krishna. Yes, is the voice audible? Hare Krishna, dear Nanda Kishore Prabhu, can you hear me? Can anyone hear me? Yes, we are able to hear you. I don't know about Nanda Kishore Prabhu, but I hope the others are able to hear you. But yes, I'm able to hear you. Please go ahead. Yeah, Hare Krishna. Sorry, Prabhu, I got disconnected. I don't know, due to some reason, I got logged out of Zoom. Sorry. Now, okay. So as he got the dust till there, please. No, Prabhu. Till there, I heard that you were saying as soon as he got the dust, and I got disconnected. Sorry, you please? Yes, this is the exact point of disconnection. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, as soon as the dust hit his head, he got disconnected from this material world. तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा कि जैसे ही शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की चरण धूली उन्हें स्पर्श की वो इस भौतिक जगत से उनका संबंध टूट गया He said, I realized how I am not this body, but spirit soul, part and parcel of Krishna. वो कहने लगे मैं समझ गया कि किस प्रकार मैं ये शरीर नहीं हूँ परंतु मैं आत्मा हूँ भगवान श्री कृष्ण का एक अंश And all my illusions were broken to pieces. I forgot everything about this material world. मेरे सारे भ्रम चकनाचूर हो गए मैं इस भौतिक जगत के बारे में सब कुछ भूल गया Saraswati Thakur had a very dear disciple called Vinod Bihari Das Brahmachari. Saraswati Thakur Maharaj ke bahut hi priya shishya the Vinod Das Brahmachari. Vinod Bihari Das Brahmachari. Vinod Bihari Das Brahmachari. So Saraswati Thakur told Vinod Bihari Das Brahmachari, if there is one gift I want to give you, that is the association of my Gurudev. My Gurudev is hiding in the public toilet. You please go and associate with him. तो उन्होंने विनोद बिहारी दास से कहा कि मैं मुझे आपको देना चाहता हूं और वो यह है कि आप मेरे गुरु शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इस समय शौचालय में जप कर रहे हैं is the voice audible? Did everyone hear it? ठीक है तो मैं हिंदी में कहता हूँ जब नंद किशोर प्रभु आ जाएंगे तो then he will continue. तो मैं ये कह रहा था कि सरस्वती ठाकुर कहने लगे विनोद बिहारी दास ब्रह्मचारी से कि अगर मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ प्रिय शिष्य वो ये रहेगा कि मेरे गुरुदेव का जाकर तुम सिंह करो
वो एक बाहर सामाजिक शौचालय में बैठकर भजन कर रहे हैं, तुम चुपचाप जाना और उनसे तुम संग लेना, उनके अनुगत्य में रहना। इस प्रभु जी बैक, ओके, सो इंग्लिश टाइम। सो विनोद बिहारी दास ब्रह्मचारी, ही स्नीक्ड आउट एंड ही वेंट टू दैट पब्लिक टॉयलेट एंड ही नॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड गौर किशोर दास बाबाजी महाराज डिड नॉट ओपन बिकॉज मेनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वुड कम, पुलिस वुड कम, different politicians would come and they would knock Gaur Kishore Das Babaji Maharaj's door and they would say, Babaji Maharaj, please come out. So Vinod Bihari Das Brahmachari wahan par gaye aur unhone darwaza khatkhataya parantu Shila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ne darwaza nahi khola kyunki bahut police ke sarkar ke karmchari aate the aur wahan unse milne ke liye darwaza khatkhataate the. Many would shout, Babaji Maharaj, we can make a better toilet for you. बहुत बाहर आके कहते थे, बाबा जी महाराज हम आपके लिए इससे अच्छा शौचालय बना सकते हैं, और वी कैन मेक अ बिग पैलेस फॉर यू, या हम आपके लिए एक बड़ा महल बना सकते हैं। दिस टॉयलेट इज स्टिंकिंग, ये शौचालय में बदबू है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वुड से इट्स बेटर टू बी इन दिस स्टिंकिंग टॉयलेट एंड चैंट हरे कृष्ण इन सेक्लूजन देन टू बी इन अ क्लीन प्लेस विद द स्टिंकिंग एसोसिएशन ऑफ मटेरियलिस्ट्स। तो श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज कहते थे, ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं इस बदबूदार शौचालय में अकेले बैठकर जप करूं, ना कि मैं बाहर जाके एक साफ स्थान में जो बदबूदार भौतिक व्यक्ति हैं उनका संग करूं। सो व्हेन विनोद बिहारी दास ब्रह्मचारी नॉक्ड, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज डिड नॉट रिस्पॉन्ड। सो विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराज सेड, बाबाजी महाराज इट्स मी। तो विनोद बिहारी दास ब्रह्मचारी ने जब दरवाजा खटखटाया तो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने दरवाजा नहीं खोला। फिर विनोद बिहारी दास ब्रह्मचारी जी ने कहा, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मैं हूँ। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज सेड, हू? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा, कौन? विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज सेड, आई हैव कम फ्रॉम द मठ ऑफ श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। विनोद बिहारी दास ब्रह्मचारी ने कहा, मैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के मठ से आया हूं। गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ran and opened the bolt. He pulled Vinod Bihari Das Brahmachari, locked the door and said, Amar Prabhu, Amar Prabhu, Amar Prabhu, and embraced him. शिला गौर किशोर दास बाबाजी महाराज ने भागकर दरवाजा खोला, उन्हें अंदर लिया और दरवाजा वापस बंद करके उनका आलिंगन किया और कहा, अमार प्रभु, अमार प्रभु, अमार प्रभु। Took his hand and placed on the head of Vinod Bihari Das Brahmachari. Vinod Bihari Das Brahmachari fainted in the public. उन्होंने अपना हाथ लिया और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के माथे पर रखा और विनोद बिहारी दास ब्रह्मचारी बेहोश हो गए शौचालय में। And then he told him that, do you know, your Gurudev is also like my Gurudev. He may appear to me my disciple, but Amar Prabhu, he is actually my master. This was the humility of Gaur Kishore Das Babaji. और उन्होंने कहा, क्या आप जानते हैं कि आपके गुरुदेव मेरे गुरुदेव की तरह हैं, वो मेरे शिष्य प्रतीत हो सकते हैं, परंतु वास्तव में वो मेरे गुरु हैं। And he told Vinod Bihari Das Brahmachari, in the future you will face lot of opposition, but if you hold on to the lotus feet of Saraswati Thakur, you will emerge victorious. और विनोद बिहारी दास ब्रह्मचारी जी से कहा कि भविष्य में आपको बहुत विरोध मिलेगा, परंतु अगर आप शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के चरण कमल को जोर से पकड़े रखेंगे तो आपकी विजय होगी। Who is this Vinod Bihari Das Brahmachari? ये विनोद बिहारी दास ब्रह्मचारी कौन है? He is none other than Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, who gave sannyas to our Prabhupada. हरे कृष्ण प्रभु, I'm losing. Can you repeat? It's got stilled, yes. For me. Sorry. Yes, I was mentioning, who is this Vinod Bihari Das Brahmachari? He is Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, who gave sannyas to our Srila Prabhupada. तो ये शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज हैं, विनोद दास ब्रह्मचारी, जिन्होंने शिला प्रभुपाद जी को सन्यास दीक्षा दी थी। You can see the connection. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj
And our Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Vinod Bihari Das Brahmachari, Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, Srila Prabhupada. Such a strong connection, a current of Gaudiya Parampara coming from Sri Chaitanya Mahaprabhu up to our Srila Prabhupada. तो इस प्रकार हम ये हमारे गुरु परंपरा का संबंध देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, विनोद बिहारी दास ब्रह्मचारी, इसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद और भक्ति वेग के भक्ति विज्ञान केशव महाराज. तो यहाँ पर हम अपने गुरु परंपरा का संबंध देख सकते हैं. सो इन दिस वे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज प्रभु. Sorry. Yes, Shyam Prabhu, I just have a request. Sorry, I'm getting logged off from my computer. Shyam Prabhu, I'm just re-entering from my mobile. Can you please unmute me there, please? Actually, Anand Kumar, Anand Kishore Prabhu, I think it's going to be the last few minutes. You try and you disconnect and come back. Okay. Till then, I will try to support with my crazy Hindi. When you get connected, I will stop. I'm already in. Okay, I'm already in on my mobile. I'm already in from my mobile. Just has to unmute me. Yeah. Okay. So when Bhakti Vinod Thakur left this world in 1914, Gaur Kishor Das Babaji Maharaj's heart broke in separation and he left his body in 1915 because his Gurudev had left this world. So Srila Bhakti Vinod Thakur, jab 1914 mein is jagat se chale gaye, uske baad ek saal baad 1915 mein Srila Gaur Kishor Das Babaji Maharaj ne bhi ye jagat chhod diya. And it was a hue and cry after his departure. It was a hue and cry. Bahut utpat mach gaya tha. Bahut utpat mach gaya unke jagat chhodne ke baad. Why? Kyun? Because before leaving, Srila Gaur Kishor Das Babaji Maharaj had said, "Oh, after I leave this body, you drag my body to the streets of Navadvip so that the dust of the lotus feet of Vaishnavas can be completely smeared on my body. I want to be dragged from street to street after my departure." Because Srila Gaur Kishor Das Babaji Maharaj ne kaha tha ke mere yahan se chale jaane ke paschat aap mere sharir ko Navadvip ke sadkon par ghasitiye. क्योंकि मैं वहां के सभी वैष्णवों की धूल अपने ऊपर लेना चाहूंगा. So after Gaur Kishor Das Babaji Maharaj departed, all the Babajis came and said, "Yes, this is what we should do." तो जब गौर किशोर दास बाबाजी महाराज चले गए, सभी बाबाजी महाराज वहां आए और कहे, हाँ, हमें यह करना चाहिए. They said, "He belongs to us because he is Babaji, we are Babaji." उन्होंने कहा, ये हमारे हैं क्योंकि ये भी बाबाजी हैं और हम भी बाबाजी हैं. And we will take charge and we will tie a rope to his body and drag him from street to street. और उन्होंने कहा कि हम इस ये कार्य करेंगे, हम उनके शरीर को रस्सी से बांधेंगे और उन्हें नवद्वीप के हर गली गली में घसीटेंगे. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur like a lion came to the rescue and said, "All of you are rascals." Hare Krishna. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur वहां पर एक शेर की तरह बचाव के लिए आए और उन्होंने सबको कहा, या आप सब कमीने हैं. They said, "You are proud." उन्होंने कहा, आप सभी को घमंड है. And Gaur Kishor Das Babaji Maharaj said, "All of you are," Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, "If I am proud, all of you are lusty." तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, अगर मैं घमंडी हूं तो आप सब कामी हैं. They all fumed up like a forest fire. वो सब एकदम क्रोध में आ गए एक अग्नि की तरह. So at that point, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had to bring in a filter. He said, "All those who have not had any sexual activity last 1 year, 6 months, 1 month, 3 weeks, 2 weeks, 1 week, last 3 days, only they will come ahead." Everybody got filtered out. Only Saraswati Thakur was the celibate one standing there. तो उस समय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने वहां पर एक शर्त रखी कि किसने भी मैथुन नहीं किया है, 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, 1 हफ्ता, 3 दिन, 2 दिन, और इस प्रकार वहां कोई भी नहीं टिक पाया, सिर्फ श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रह गए. He said, "Gurudev said this out of his humility. We are not going to do it." And Prabhupada Saraswati Thakur, with his own hands, he gave samadhi to the chinmay sharir of Srila Gaur Kishor Das Babaji. Without dragging anywhere. तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि ये श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने अपनी विनम्रता में कहा है, हम उन्हें घसीटेंगे नहीं,
और उन्होंने अपने हाथों से उन्हें समाधि दी बिना घसीटे हुए. He was on the samadhi was on the other side of the Ganga. समाधि गंगा के दूसरे तरफ हुई. But as we know, Ganga changes her course with time. तो जैसे हम देखते हैं गंगा अपना मार्ग समय से बदलती है. With time, Ganga changed her course in such a way that the samadhi of Gaur Kishordas Babaji Maharaj was almost to be washed out. तो समय से गंगा ने अपना मार्ग इस प्रकार बदला कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि बह जाने वाली थी. At that time, a very intelligent person. उस समय एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति. By the name Vinod Bihari Das Brahmachari. जिनका नाम था विनोद बिहारी दास ब्रह्मचारी. Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. जो Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj हैं. What did he do? He picked up the whole samadhi and got it to the Mool Gaudiya Math on this side of Srila Saraswati Thakur's original Gaudiya Math, and he gave samadhi there. और उन्होंने पूरी समाधि उठाकर मूल गौड़िया मठ के तरफ लाई Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur के बराबर में, और उन्होंने वो समाधि वहां स्थापित की. Saraswati Thakur was crying and weeping in happiness. Saraswati Thakur Maharaj रो रहे थे खुशी में. For those who have been to Gaurmandal Parikrama, to the Mool Gaudiya Math, you would remember seeing Radha Kund, Shyam Kund, and Giri Govardhan. तो जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा में मूल गौड़िया मठ जिन्होंने देखा है, आपने आपको स्मरण होगा कि वहां पर आपने राधा कुंड, श्याम कुंड, थर्ड वन और गिरि गोवर्धन को भी देखा होगा. सरस्वती ठाकुर would sit there and chant 300,000 names of Krishna, and tears came from his eyes. Why? After chanting on the banks of Radha Kund, my Gurudev has come searching for me. तो Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur वहां बैठकर 300,000 नाम जपते थे, और ये करते करते उनके आंखों से आंसू गिरने लगे. क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ जप के वजह से मेरे गुरु मुझे खोजने आए हैं, और इसलिए उनकी समाधि यहाँ आई है. So that Gaur Kishordas Babaji Maharaj Samadhi you can even now see on this side by the excellent Guru Nishtha of Saraswati Thakur and his Guru Nishtha. Shown to him by Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. तो इस प्रकार से हम अब Srila Gaur Kishordas Babaji Maharaj की समाधि गंगा के इस तरफ देख सकते हैं Srila Bhakti Siddhant Saraswati Thakur की गुरु निष्ठा के वजह से, और Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj की गुरु निष्ठा उनके गुरु के इसके कारण ये समाधि हम यहाँ देख सकते हैं. When our Abai Babu, he left home and he was sitting on the banks of the Jamuna in Mathura. Bhakti Pragyan Keshav Maharaj lovingly embraced him and said, "What are you doing here?" He said, "Oh, I left my family. Please come to the Mathura Mat. I want to talk to you." And in the Mathura Mat, Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj gave sannyas to Abai Babu and renamed him as Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. तो घर छोड़ने के बाद जब Srila Prabhupada ji एक समय यमुना के तट पर मथुरा में बैठे थे, तो Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj वहां गए, और उन्होंने कहा, आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे साथ आइए, और उन्हें ले जाकर उन्होंने उन्हें सन्यास दीक्षा प्रदान की. In October 1968, when Bhakti Pragyan Keshav Maharaj left this world, our Prabhupada was in Seattle, Washington, and in the class, Srila Prabhupada breaks down with tears, saying, "My Gurudev wanted me to take sannyas, but I was very afraid. But Bhakti Pragyan Keshav Maharaj pulled me out of family life, gave me sannyas, and now I am preaching Krishna consciousness world over." तो 1968 में Srila Prabhupada जी सियाटल में एक बार कथा दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि मेरे गुरु महाराज चाहते थे कि मैं सन्यास लूं, परंतु मैं बहुत भयभीत था, परंतु Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj ने मुझे पकड़ के संसारिक जीवन से निकाला और मुझे सन्यास दी. So the day when Bhakti Pragyan Keshav Maharaj left this world, Prabhupada could not even finish his Harikatha. You can hear the audio. Prabhupada breaks down and he wanted every devotee in that temple to sign and send that letter back to Mathura saying that the International Society of Krishna Consciousness is grieving the departure of a great soul. तो जब इस प्रकार उस दिन Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj जब उन्होंने जगत छोड़ दिया, Srila Prabhupada अपनी कथा भी पूरी नहीं कर पाए, वो रो रहे थे, और उन्होंने सभी उनके शिष्यों को कहा कि आप अपना हस्ताक्षर कीजिए इस चिट्ठी पे और उन्हें वापस मथुरा भेजिए,
ये बताते हुए कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ है इन्होंने प्रभु इस्कॉन हैज द लास्ट पार्ट इस्कॉन इज ग्रीविंग एंड क्राइंग वेरी सैड ऑन द डिपार्चर ऑफ अ ग्रेट सोल तो इस प्रकार जो ये हरे कृष्णा आंदोलन के सदस्य हैं वो बहुत दुखी हैं और इस दिन पर बहुत विलाप कर रहे हैं और रो रहे हैं Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, when he gave sannyas to our Prabhupada, both of them, after the sannyas ceremony, were sitting in the Mathura mat and honoring prasadam. So Bhakti Pragya Keshav Maharaj ne, jab Srila Prabhupada ji ko sannyas diya, uske baad ve dono vaha par mat mein baithe the aur prasad pa rahe the. So one boy came who was serving prasad and said, Oh sadhu, how many rotis? How many rotis? How many rotis will you eat? How many rotis will you eat? And he left. तो एक बालक वहां आया और कहा ओ साधु कितनी रोटी आप खाओगे कितनी रोटी आप खाओगे और ऐसा कहकर वो चले गया भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज लुक्ड एट प्रभुपाद एंड सेड व्हाट ही इज सीइंग इज टू ओल्ड पीपल ईटिंग रोटीज बट ही डजंट नो द फ्यूचर ऑफ चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन इज इन दीस फोर हैंड्स तो शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने कहा कि वो बालक जो देख रहा है वो देख रहा है कि दो बूढ़े व्यक्ति रोटी खा रहे हैं परंतु वो ये नहीं देख रहा कि जो इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन का भविष्य है ये इन चार हाथों में है भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज fought for Saraswati Thakur so severely that six times he was imprisoned by force by the police beaten and then he would come out again and preach तो भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के लिए इतने बार इतने महत्व से लड़े कि छह दफा उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था परंतु वो फिर भी बाहर आके फिर प्रचार में लगते थे Why am I saying so much about Bhakti Pragyan Keshav Maharaj? मैं इतना क्यों बता रहा हूं आपको भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के बारे में भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज इन हिज ओल्ड एज वंस ड्रॉप्ड टीयर्स एंड सेड समथिंग वेरी प्रोफाउंड एंड दिस इज द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे क्योंकि एक बार अपने बुढ़ापे में शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जो हमारी इस कथा का आखिरी वाक्य होगा He said, my service to my Gurudev, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and my service to Srila Prabhupada for the future has come with so many obstacles, but all of these obstacles have been overcome just by the touch of Gaurkishore Das Babaji Maharaj in that public toilet. उन्होंने कहा कि मेरी सेवा मेरे गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के लिए और मेरी सेवा शिला प्रभुपाद के लिए इस सेवाओं में बहुत सारी बाधाएं आई परंतु ये सारी बाधाएं बहुत जल्द हट गईं इसका कारण क्या है क्योंकि उस दिन शौचालय में शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा था गौर किशोरदास बाबा जी महाराज टोल्ड हिम यू विल फेस लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स बट डोंट वरी यू विल ओवरकम ऑल ऑफ देम भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज क्राइड एंड सेड बिकॉज़ ऑफ बाबा जी महाराज हैंड एवरीथिंग हैज बिकम ऑस्पिशियस इन माय लाइफ तो शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उन्हें उस समय शौचालय में कहा था कि आगे बहुत सारे बाधाएं आएंगी परंतु सब कुछ टल जाएगा और इस प्रकार यहाँ पर आंसू बहाते हुए शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने कहा कि बहुत सारी बाधाएं आई परंतु शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की वजह से वो सब चली गई गौर किशोरदास बाबा जी महाराज टीचेस अस मेनी लेसंस बट द स्टैंड आउट बैकबोन लेसन आउट ऑफ दिस डिस्कशन इज ओनली वन शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हमें अन्य शिक्षाएं दे रहे हैं परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वो ये केवल एक है यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति पुतोपि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो सरेंडर्ड टू भागवत दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी एंड टू हिम वो सरस्वती ठाकुर सरेंडर भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज सरेंडर एंड आवर शिला प्रभुपाद सरेंडर दिस होल परंपरा Gaur Kishoredas Babaji Maharaj is holding acharyas here and acharyas here and he is the central backbone for the Gaudiya Parampara. Okay, I'll try this Prabhu, it went a little fast for me. To jo sabse mahatvapurn baat yahi hai ki yasya prasadat bhagavat prasado yasya aprasadat na gatir kutopi. To Shila Gaur Kishoredas Babaji Maharaj ne sharan liya tha Shila Bhakti Vinod Thakur, Shila Jagannath Das Babaji Maharaj and Bhagavat Das Maharaj. और यहाँ पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने शरण लिया है शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का और एंड आफ्टर दिस भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज आल्सो सरेंडर्ड इन दैट लाइन एंड आवर प्रभुपाद आल्सो डिड द इम्पॉसिबल ऑल ऑफ दिस बाय गुरु निष्ठा
और शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज भी इसी परंपरा में शरण लिए और शिला प्रभुपाद जी ने भी इसी परंपरा में शरण लेके वो प्राप्त किया जो नामुमकिन था और इसका कारण यही था गुरु निष्ठा. So therefore, when we offer our obeisances to Prabhupada, we offer our obeisances to Saraswati Thakur, we offer our obeisances to Gaur Kishore Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur and Jagannath Das Babaji, we keep them on the altar. And when we remember their picture, we should remember all this, how many generations have sacrificed so that we can sit peacefully and chant the holy name. तो जब हम शिला प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, हम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को प्रणाम करते हैं, हम शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को प्रणाम करते हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर को प्रणाम करते हैं, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को प्रणाम करते हैं, और इन्हें हम अपने मंदिर में रख के इनकी पूजा करते हैं, और उस समय हमें ये स्मरण करना चाहिए कि इस प्रकार ये गुरु परंपरा में कितनी पीढ़ियों की मेहनत लगी हुई है हमें इस स्थान पर लाने के लिए. So in this way, we successfully wrap up our discussion on the series Mahajano Yena Gatasya Pantha, following the footsteps of great acharyas in our line. और इस प्रकार से हम ये कथा को विराम देते हैं जिसका शीर्षक था महाजन येन गतस तु पंथा, जो ये महान वैष्णव है इनके पद चिन्हों पर चलना. This wouldn't have been possible without the translation of Nanda Kishore Prabhu. Very bad translation, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Please translate. ये संभव नहीं होता था अनुवाद के बिना. By Nanda Kishore Prabhu. Nand Kishore Das द्वारा. And ultimately, I want to thank our Sri Vallabh Prabhu for kindly putting everything, all the pieces together. So many yatras are coming in together. So many devotees are smiling with their family sitting. I feel very, very blessed. Amidst a lockdown, I am sitting there with all the devotees. Thank you so much for embracing me. और बहुत ही बहुत धन्यवाद श्री वल्लभ प्रभु को जिनके कारण से ये सब भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं. ये लॉकडाउन में भी बैठे हुए मैं यहाँ पर आप सभी भक्तों का संग कर पा रहा हूँ. नमः गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसांबोधे पादांबोजायते नमः. श्रील प्रभुपाद की जय. Thank you very much, Sri Samarendra Prabhu. Just have a few questions have been accumulated here. Number one, you quoted that Ramananda Rai is the incarnation of Vishakha as well as Arjuna. Is there any Shastric evidence on that? Where have you quoted that from? Gaur Ganodesh Deepika mentions Ramananda Rai is a combination of four personalities. Is a combination of Arjun Sakha, Arjun Pandav, Arjuniya Gopi and Vishakha Sakhi. Thank you. And I think most of these stories of the Vaishnava Acharyas also come from the same scripture. The mapping of Gaura Leela and Krishna Leela takes place through Gaur Ganodesh Deepika. Thank you. Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj didn't know to read and write. So how do you read the two books that he had always with him? So these two books he would always hold with him to teach the world that just like I don't have anything with me, but I'm still carrying it, you should also carry it. He had all these songs memorized. He would just hear them and Shruti Dhar. So he never read it, but he would always hold it so that people, onlookers can learn with two hands, hold these two books. Okay. Now it's a slightly difficult question. Our parampara is Siksha parampara. And some accuse that there's a break in the Diksha line between Srila Bhaktivinoda Thakur and his guru. Can you explain this and how can we resolve this? Well, after Srila Saraswati Thakur departed, one of his very scholarly disciples by the name Sundarananda Vidya Vinod, he actually did very deep research to find the Diksha line of Gaur Kishore Das Babaji. And he successfully traced it that he was actually initiated by a Babaji called Nanda Kumar Das Babaji Maharaj during Gaur Kishore Das Babaji's Grihastha life. And Nanda Kumar Das Babaji Maharaj comes down the Nityananda Parivar as far as Diksha is concerned. However, Srila Saraswati Thakur very firmly writes in his works that our line is that of Diksha of Siksha Parampara. So it does not matter where the Diksha comes from, just like we don't know where Haridas Thakur's Diksha came from. But all that matters is the Siksha line. We hear from a great soul, take it to the heart, and we move on. So, of course, Bhaktivinoda Thakur had differences with his Diksha Guru called Vipin Bihari Das Goswami, because Vipin Bihari Das Goswami had few allegations which were upper sampradaya. He made allegations like Chaitanya Mahaprabhu gave Gopal Bhatta Goswami Shaligram Srila.
He gave in the worship of Shaligram, Radha Raman. But he gave Raghunath Das Goswami a Govardhan Shila. And Bipin Bihari Goswami said, Chaitanya Mahaprabhu differentiated on the basis of birth. Because Raghunath Das Goswami was not a Brahmana by birth, he gave him a Govardhan Shila. But because Gopal Bhatt Goswami came a Brahminical line, he was given a Shaligram Shila. When Bhaktivinoda Thakur heard all these upper sampradayas, he kept his Gurudev to the side. And then he took shelter of Jagannath Das Babaji. So this teaches us that even if our father says upper sampradaya, we should respectfully deny like Prahlad did to Hiranyakashipu. If the mother does it, we should do like Dhruva Maharaj did. If the brother does it, we do like Vibhishan. If the husbands do, we do like the gopis. If the guru does it, we do it like Bali. So in that mood, Bhaktivinoda Thakur respectfully distanced himself in his heart from Bipin Bihari Goswami, but accepted the lotus feet of Jagannath Das Babaji. So in this way, our line is unbroken Shiksha line. Like if you see Madhvacharya and Vyasadev, they are apart by 4,000 years. Madhvacharya came 1,000 years ago, but Vyasadev came 5,000 years ago. But we are completely convinced that it's the Shiksha line coming down. Krishna started by injecting the heart of Brahma through sound. So it's the Shruti Matram Eva. So by that strong, unbroken line, transparent via medium of very great acharyas, self-realized, self-potent Shiksha gurus, we can continue the parampara. There is no problem.